एवरीवन, कैसे हो आप सब? राधे राधे। तो हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, ये देखिए। और आज दिन है बृहस्पतिवार, तारीख है 19 अगस्त। तो आप सब भी चलिए हमारे साथ, आप सबको कराते हैं दर्शन। छोटा सा मेला लगता है आई द्वादशी। तो अब हम अंदर आ चुके हैं। ये है धूणा, और जो ये पेड़ आप देख रहे हो, ये हीस का पेड़ है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो ये धुना है, यहाँ से भभूति लेके जाते हैं भक्तजन। तो ये ज्योत बत्ती चल रही है, अभी मैं भी यहाँ ज्योत करूँगी। अभी कैमरा में पकड़ा देती हूँ। तो अब मैं यहाँ कर रही हूँ ज्योत। ज्योत करने के बाद थोड़ी इस साइड ऐसे घूम के जाएंगे, तो हम छाटेंगे माटी इसकी साइड से ही। तो यही माटी छाटते हैं और ज्योत करते हैं। देखिए टाइम, आप देख सकते हैं 12:15 का टाइम है। और ये बाबा के दर्शन कर लीजिए। ये है समाध। तो यहाँ चोले चढ़ाए जाते बाबा को, देखिए चढ़ाया है किसी ने। कोई चाहे तो कपड़ा भी दे सकता है 9.25 मीटर, और चाहे तो सिलवा कर भी दे सकता है, जैसी जिसकी श्रद्धा है या किसी ने बोल रखा है बाबा को तो वैसा ही कर सकता है। इधर काम चल रहा है अभी मंदिर में, कंप्लीट होने के बाद ज़रूर दिखाएंगे। और ये राधा कृष्ण बाल गोपाल बैठे हुए नीचे, ये देखिए। तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हम आ गए बाहर धूने पे, यहाँ हवन में घी डाल देंगे। धूने पे सॉरी, हवन पे, धूना तो अंदर था। तो यहाँ हवन में घी डाल देंगे, ज़्यादा हो तो ये टंकी रखी हुई है, इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ जो हवन पे लोग आते हैं उनके बैठने के लिए काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ जगह है, आराम से कितने ही आदमी बैठ सकते हैं। कोरोना के चलते ज़्यादा भीड़ नहीं है, देख सकते हो भजन मंडली बैठी हुई है। और ये बाबा है, सभी बाबा के दर्शन कर लो। और अभी हम आ गए हैं भंडारे में, यहाँ लेंगे प्रसाद, कढ़ी चावल और दही का प्रसाद है। तो ये देखिए पहुँच चुके हैं भंडारे में। और अभी सब जगह ज्योत बत्ती करने के बाद हम आ गए हैं गेट से बाहर, ये देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर है। और ये देखिए, आराम से, मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि पैर जल रहे थे, धूप बहुत तेज़ थी, चप्पल थोड़ी दूर थी हमारी। तो अभी हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं, ये देखिए मेला लगा हुआ है, ज़्यादा भारी नहीं है, ज़्यादा भारी लगता है होली पर, तो अभी ऐसा ही है, देख लीजिए आप सब भी। पहले छोटे थे तो मेले में छोटी मोटी ये चीज़ें लेने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन अभी नहीं है, हेमो योगी कोई साथ नहीं है, थोड़ा कुछ उनको दिलाते तो।
तो अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं और मैं आज गई थी मंदिर में, क्योंकि आज है द्वादशी। द्वादशी के हर महीने की द्वादशी को चांदन की जो आती है उसको मंदिर में जाते हैं। तो अभी मैं काटूंगी अपने नाखून, पैरों के भी और हाथों के भी, नेल कटर ले रखा है और मैंने एसी चला लिया, और कोई एसी में नहीं है क्योंकि हेमू टीवी देख रहा है और ये योगी को लाने के बाद ही आएंगे, क्योंकि बार बार में एसी में आना और बाहर जाना, जुकाम भी हो रहा है इनको। तो अभी ये मुड्डी रखी है यहाँ, इस पर बैठ के नीचे बेड से तब मैं नाखून काटूंगी। और योगी आने से पहले मैं सोऊंगी नहीं, क्योंकि वो आएगी, क्या खाएगी वो बना के उसको दूंगी। रोटी बनवाएगी तो चावल रखे हैं सुबह के, क्योंकि सुबह वो चावल लेके गई थी, तो हो सकता है वो दही चावल भी खा ले। तो आज हम गए थे मंदिर में और शाम के टाइम आज बनेगा स्पेशल खाना है, क्योंकि द्वादशी है। द्वादशी के दिन खीर तो बनती ही बनती है, अगर घर में दूध है तो खीर तो बने ही बनेगी, वो देखते हैं जवे की बनती है या चावल की, जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो देखिए, आप लोगों से मिलते हैं शाम के टाइम में। अभी तो योगी आएगी, फिर आराम, 4:30 बजे आप लोगों से मिलेंगे। तो आज सारा काम हो गया लेट, क्योंकि मैं सो गई थी, तो लगभग 4:45 के लगभग मैं उठी। उसके बाद पशुओं का काम किया और घर का और भी काम था, तो सारा काम आज हो गया लेट लेट। तो अभी एक गैस पर मैंने रख दिया है दूध गर्म करने के लिए, और दूसरे पर मैं जवे भून रही हूँ। इनको भूनने के बाद दूध में डाल दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ बनेगी जवे की खीर। आज योगी ने बोल दिया है कि वो भी जवे की खीर खा लेगी, तो इसीलिए जवे की खीर बन रही है। वैसे तो मैं आज मना कर दिया था कि एक ही बनाऊँगी, चाहे चावल की बनवाओ चाहे जवे की, तो योगी ने बोल दिया तो जवे की ही बन रही है, क्योंकि जवे की खीर इनको पसंद है। जवे भून के मैंने डाल दिए हैं और अब बना रही हूँ पहले चाय, फिर लगेंगे और काम पे। तो अभी हम पी रहे चाय और मैं नाखून भी काटूंगी, क्योंकि दोपहर में कहा था 1-2 उंगली की काटे और फिर मैं सो गई, तो अभी नाखून काटूंगी पहले। और यहाँ पी रहे हैं चाय और बस ऐसे ही बातें चल रही है टाइम पास। सब भी पी लीजिए शाम के टाइम की चाय। चाय आप लोग अधिकतर देखते होंगे मग्गी मग्गा कुछ किसी में भी छाने, बची हुई चाय सबको देने के बाद जो बचती है, कम बचे तो कम सही, ज़्यादा बचे तो ज़्यादा सही, वो मेरी। कई बार टोटे में भी रह जाते हैं और कई बार अच्छा खासा नफा हो जाता है चाय में, क्योंकि अच्छी खासी मिल जाती है। और ये पार्टी का दलिया रन चुका है बोल रहे थे, तो अभी भैंस का चढ़ाएंगे बाजरा और मेथी। और यहाँ हमने बनाया आज पनीर अपना घर का। तो ये बोल रहे थे कि फोन को लगा दो ट्राइपॉड पे,
और योगी लेके आई पानी, क्योंकि नींबू डाल के निचोड़ वो किया था, दूध को फाड़ा था तो उसमें खट्टापन नहीं रहे, इसलिए इसमें ठंडा पानी डाल देंगे। तो आज हमने घर का बना दिया है। फ़ोन मैंने लगा दिया ट्राईपॉड पे, और इधर मोट धो के रखी हुई है, मोट को भी छोकूंगी, बहुत ज़्यादा काम है, बर्तन वगैरह सारा काम पड़ा हुआ है आज। अभी मैं आ गई हूँ चारा काटने के लिए। घर के पीछे जो ज्वार बो रखी उसी में हूँ, क्योंकि अंधेरा होने पर घर का काम तो अंदर का फिर भी लाइट वगैरह जलने से हो जाएगा, लेकिन ये काम नहीं होगा। ये काम सबसे पहले है, क्योंकि सुबह नहीं काट पाई, मंदिर में जाना था और धूप बहुत जोर की थी तो इसीलिए। और ये योगी वीडियो बना रही थी तो देखिए आपको बेल दिखा रही है, घिया तोरू की, पता नहीं क्या हुआ, हमारी घिया और तोरू दोनों सूख रही है धीरे धीरे। आप देख सकते हैं पीले पत्ते हो रहे हैं और सूखती जा रही है बेल, पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए इसमें दही रखा हुआ है, सब्जी मैंने छोक दी है, आलू की, टमाटर नहीं थे तो मैंने दही को अच्छे से फेंट के उसमें सारे सूखे मसाले मिलाए और छोक दिए सब्जी। सब्जी थोड़ी लगेगी क्योंकि खीर भी है, इधर किसी का मन करे तो मोट छोक दी है। वैसे तो मोट गर्म कोई नहीं खाता, कली खाई जाएगी, पर एक ऑप्शन है ये भी। और इधर हमारी जवे की खीर बन गई है, खीर थोड़ी सी निकल गई थी क्योंकि उस पनीर कांडे में मैं बाहर थी और गैस को सिम पे करना भूल गई थी, तो थोड़ी सी खीर हमारी निकल गई। तो अभी टाइम आप देख सकते हो 6:40 हो चुके हैं, तो गांव में तो लेट तो हो ही जाता है क्योंकि काम ज़्यादा हो जाता है। और ये योगिता कर रही है ड्राइंग में कलर, पंखा भी नहीं चला क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर से इसे नहीं चलाते क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजली लेता है। तो इधर मशीन भी लगी हुई है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ जोत, और इस छोटी प्लेट में मैं अंगारी लेके आई हूँ बाहर से, आरी में से अंगारी रख के धूप लगाएंगे और भोग लगाएंगे खीर और पूरी का। ये देखिए इस पे भोग लगा देंगे पहले घी से, और फिर इसका खीर का और पूरी का, फिर अगरबत्ती लगाएंगे। और अभी ये योगी के लिए मैं बनाऊंगी, सभी के लिए बाद में, पहले मैंने जोत की बनाई है क्योंकि लेट हो गए हैं, तो पहले जोत कर देते हैं फिर सबको बना के बाद में देंगे। और ये अगरबत्ती भी लगा दूंगी। अगरबत्ती लगा दिए, अगरबत्ती ऊपर ही रखी है क्योंकि नीचे मेरे पास स्टैंड नहीं है। अब मार्केट जाऊंगी तो मैं लेके आऊंगी अगरबत्ती का जो आता है छोटा सा स्टैंड, उसमें लगा देते हैं। तो अभी ये रोटी हम गाय को दे देंगे या कन्या भी खा सकती है। तो अभी मैं बना रही हूँ पूरी, इधर रखी हुई है सब्जी, हेमू ने तो खाई है खीर के साथ ही, उसने सब्जी नहीं ली है। और ये योगी खीर दिखा रही है। तो
खाना बन गया है, सभी ने खा लिया है। थोड़ी सी पूरी का आटा मैंने रख दिया था, अब बनाइए। यहाँ पे पंखा चल रहा है तो बैठ गई हूँ थोड़ी देर, पसीना सुखाने के बाद नहाएंगे और फिर खाएंगे। अभी हम लोग बना रहे हैं और आज इतना सारा खाना क्यों बना, क्योंकि आज थी द्वादशी। द्वादशी को हमारे यहाँ एक टाइम के दूध में जामन नहीं लगाते, तो इसीलिए खीर भी बन गई, पनीर भी बन गया और एक जग दूध मैंने फ्रिज में रख दिया है, उसको सुबह यूज कर लेंगे। और मोठ ठोक ली क्योंकि प्याज काट के डाल ले इसमें और नींबू निचोड़े, हरी मिर्च बारीक बारीक काट के डाल ले, बहुत टेस्टी लगती है। तो प्याज मोठ तो इसलिए छोकी है, दिन के बीच में खा लेंगे। और आलू की सब्जी बनाई है। पंखा पुराना हो जाए बेटा, पुराना हो जाए। तो ये मुना लिया है, ये बाहर ही नहा लिया था, यहाँ योगी बाथरूम में है। तो अभी आलू की सब्जी बनी थी पूरी और जवे की खीर, और मोठ मैंने छोक ली थी, ज्योत बत्ती कर दी है क्योंकि एक टाइम के दूध में जामन नहीं लगता है, इसलिए सारा दूध यूज करना था, जो ज़्यादा था बच गया वो फ्रिज में रख दिया, सुबह यूज कर लेंगे। तो अभी टाइम 8:30 का हो रहा है, अभी टाइम 8:30 का हो रहा है। तो इस वीडियो का मैं यही एंड करूँगी, अभी ये भी आ गए हैं, तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।